नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरआई बुलेटिन। हम आपके साथ जुड़े हैं बुलेटिन के स्वाद। जैसा कि हम मौजूद हैं इस समय चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नाथ खास के पूर्व एक नहर है जो कि बेतवा घाट से जुड़ी हुई है, और ये नहर पर आज एक करीब दोपहर 1 बजे के समथिंग एक घटना हुई है जहां पर एक युवक नहाने के लिए आया था और वही इस नहर में डूब गया है। जरा पूरा क्या मामला है, हम यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा पूछने की कोशिश करेंगे। और यहाँ हालांकि यहाँ मौजूद जैसे सूचना लगती है हाल तत्काल ही चिरगांव थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे जी अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और घटनास्थल की जायजा में देखने में लगे हुए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं सीन जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये वही स्थान है जहां से वो युवक जरदान सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण जो कि शैमरी निवासी है, उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है, वो यहाँ से कुंदा और जाके नहर में धीरे धीरे जाके तेज धार में पहुंचा और वहां से वो डूब गया। हालांकि अभी तक कुछ जानकारी नहीं हो पाई है, गोताखोर यहाँ आने की है और सूचना दी गई है और यहाँ पर लोगों के द्वारा वहाँ गोताखोरों के द्वारा उसकी जरदान सिंह को खोजा जाएगा। हालांकि अभी जो खबर है वो जैसी लगती है, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचता है, काफी ग्रामीण लोग भी हैं और यहाँ एक जीतू भाई हैं जो कि मौके पर थे। मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, उनके साथ और भी लोग थे, क्या और कौन थे, क्या मामला है, कैसे? भैया जीतू भाई नमस्कार जी, क्या पूरा मामला है हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। कैसे सर, हम लोग नहाने आए थे, हम लोग वहाँ किनारे नहा रहे थे जी, तो सर वो भी नहाने आए थे, तो सर वो यहाँ बैठ के नहा रहे थे, तो हम लोग वहाँ नहाए तो यहाँ कूद गए बिना हम लोग को बिना बताए। अच्छा, तो हम लोग आवाज दिए वहाँ कहाँ जा रहे, तो ऐसे कर रहे तो तैर रहे होंगे, तो वहाँ क्या नाम है आपको? जीतू। कहाँ के निवासी हो? सैमरी गांव। अच्छा, आज यहाँ नहर पर क्या मामला हो गया? सर जैसे हम लोग, मेरे घर शादी पड़ी है तो घर में सब मेहमान थे, सब लोग लेने से नहा रहे थे सर, तो हम लोग सोचे सर यहाँ नहा लेकर चल जाएंगे, बारात भी जाना था, हमको बाजार भी करने जाना था, इसलिए हम 4-5 लोग थे नहाने, वो भी आ गया था सर नहाने के लिए, तो हमारे गाँव का ही था वो भी। जरदान जी सर, क्या हुआ फिर यहाँ? तो उसको मना के सर वहाँ मैं तुमको नहाना इनहाल दारू ड्रिंक किया होता सर, वो उसको बोले यहाँ इनहाल बैठ के, तो नहीं तो यहाँ जाके कूद गया है वो, तो नहीं तैर पाया तो डूब गया, तो आप बगल में सबको सूचना दिए हैं। कितने बजे घटना? 12 से 1 बजे के बीच की सर घटना है। हाँ सर, सूचना अपने घर वालों को? हाँ सर, घर वालों को सूचना दी और यहाँ से जो लोग मौजूद लोग थे उन सबको सूचना दी, और यहाँ गाँव के सब लोग थे, 7-8 लोग सब नहा रहे थे, वो सब भी सर डर के भाग गए सब लोग। हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हमारे साथ जरदान सिंह के भाई, और क्या नाम है भैया आपका पूरा नाम? हमारा नाम मनमोहन सिंह है। अच्छा, आप जरदान सिंह कौन थे? आपके छोटा भाई था? छोटा भाई था। अरे, क्या पूरा मामला हुआ आज जो? सर हमको ऐसा लग रहा है कि देखो, पहली बात तो मेरे गांव लोगों की नहर भी निकली है जी, वहाँ पे अभी तक मेरा भाई नहाने के लिए नहीं गया है, उनको लुवा के आए, कोई वो है जिनकी चार्जेस इसकी क्या चल रहा है? जीतू की साथी को इनके जो रिश्तेदार है, इनकी कोई कैश है कि हमको गोरखपुर में साथ इनका झगड़ा हुआ था, इन लोगों ने उस तरह से ये कैश निकाली है सर। अच्छा, कभी वो यहाँ नहर पर नहाने के लिए नहीं आया? आज तक ऐसा तो गाँव में नहीं निकले, वहाँ पर नहीं उन्होंने नहाया तो यहाँ कैसे नहाया था, तो उनके साथ जब कोई बात से लुवा के आए थे, और इसको यहाँ लुवा के आए तो इनामा भी इनका धक्का दिया कि क्या किया, जब यहाँ आए तो वहाँ कर नहीं पा रहे थे वे लोग, दोपहर का समय था, तो ये अगर यहाँ करेंगे तो सूचना देंगे, जब सब कुछ हो जाएगा, जब जो लोग आएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे, जब हम लोग मौजूदगी में हमको सूचना दी 12 बजे के आसपास, तो मौजूदगी में आए तो यहाँ से निकल रहे थे, तो हमने कहा क्या है, बोले इसमें बह गए, तो हम लोग देखने के लिए गए, तो जब तक आप यहाँ जब तक ये निकल गए थे? निकल गए थे यहाँ से। हाँ, जब निकल गए थे सर जी, तो हम लोग यहाँ से इस पुल बह गया था भाई, तो हम उस पुल तक गए, लगी हमारे हम लोगों ने इनसे आवाज भी दी कि सर हमारे कुछ लोग पीछे आओ या इस साइड से आ जाओ, तो ये लोग न उस साइड से गए ना हमारे पीछे से आए, तो हम लोग हमारे साथ गया वो ले आए थे घर से, तो हम दोनों जने हम लोग पाई के वहाँ तक हम लोग उनको देखा है, लेकिन हमको कहीं टकराया नहीं। इसकी सूचना अपने पुलिस को किसने दी? हम यहाँ से मौजूद भी हम नहीं जुड़ रखा था, और उसने हमको घर पर सूचना दी, अपने घर पे 112 नंबर पे लगाया कॉल सर, उसका नंबर नहीं लगा, हमने 175 पे लगाया सर, उन्होंने तो वहाँ पर ट्रांसफर करवाया हमने। अच्छा, अभी अभी जीतू जिससे बात हो रही थी, जो घटना स्थल पर मौके पर थे, वो बता रहे थे कि हम लोगों ने काफी लोगों ने उसे रोका है, लेकिन वो रोका नहीं माना और वो नहर में कूद गया, इस पर क्या कहना है आपको? इस समय का आशंका कुछ और लग रहा है, साफ साफ इसमें कुछ साजिश कुछ और है। साजिश कुछ
दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक पीड़ित के भाई जुड़े हुए थे, जिनका कहना है, लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कोई आशंका है, कोई हत्या की आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि इसे साजिश के तहत यहाँ नहर में लाया गया और उसे डुबो दिया गया है। अब लेकिन हालांकि क्या पूरा मामला है, सच्चाई कहाँ तक है, अभी इसकी छानबीन चल रही है, पुलिस लगातार उसकी खोज में लगी हुई है। अभी तक कोई इसके जरदार सिंह के बॉडी को, मतलब उस व्यक्ति को अभी तक नहीं खोजा गया है। लोग पुलिस लगातार नहर में खोजबीन कर रही है और गोताखोरों को भी बुलाया जा रहा है। देखने वाली बात है, सच्चाई भी मिलेगी, क्या हकीकत है, क्या जो इनके भाई जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है कि ये कुछ और ही कहानी है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, झांसी से संवाददाता प्रदीप कुशवाहा के साथ। देखिए वहीं से वो डूब गया, बह गया, वहाँ पानी है बहुत तेज। ये घटना बता रहे करीब 12 बजे की, बता रहे 1 बजे की, 1 बजे ये आ गए। तो मर गए थे।